बोला जाए कि कैसे किसी को CPR दिया जाए या किसी को कैसे बाढ़ से बचाया जाए के बारे में इतना विकास कर लिया है, लेकिन लोग जानते नहीं है कि हाँ बिहार भी तरक्की कर लिया है। तो बता ही रहे, जान ही रहे हैं कि 10 लाख नौकरियों का जो बात था उस वैकेंसी का अभी तक उस इस तरह का बात नहीं। इसीलिए प्लीज एक बार बिहार अवश्य आइए, तब जाके देखिएगा कि जो यहाँ भरी हुई है और जो दिखने में है वो बहुत कुछ बदल गया। कैसा लग रहा है बिहार दिवस पर? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। क्या मतलब और एक्सपेक्टेशन है, कैसा होना चाहिए प्रोग्राम? प्रोग्राम तो बहुत अच्छा लगा, देखने में भी अच्छा लग रहा है। यहाँ जो मतलब की जरूरत की चीज़ें है, ज्ञान की बातें हैं, वो सीखने को बहुत ज़्यादा मिला। जैसे अभी अभी आए हैं आपदा से कि कैसे किसी को CPR दिया जाए या किसी को कैसे बाढ़ से बचाया जाए, और भी मतलब कि आपदा जो होता है जैसे बिजली वगैरह गिरा उससे कैसे बचा जाए, उस सब के बारे में बताया गया। अच्छा, नीतीश कुमार ने शुरुआत की बिहार दिवस मनाने की, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसी पहल रही उनकी? जैसे ये जो निर्णय लिए हैं ये तो बहुत अच्छा निर्णय लिए हैं, और ये जरूरी भी है ताकि बिहार के लोगों को ही नहीं और बाहर के लोगों को भी जानकारी मिले कि हमारा बिहार ऐसा है, क्योंकि लोग बिहार के बारे में बहुत जो गलत सोचते थे वो अब सही हो रहा है, क्योंकि बिहार के बारे में इतना विकास कर लिया है, लेकिन लोग जानते नहीं है कि हाँ बिहार भी तरक्की कर लिया है। बीइंग अ बिहारी अभी कितना प्राउड फील हो रहा है? 100%। तेजस्वी यादव से क्या उम्मीद है? तेजस्वी यादव से और उम्मीद है कि और थोड़ा विकास करें, जो विकास के नेता है तो हम लोग के लिए विशेष ध्यान दें। क्या विशेष ध्यान में सबसे पहले क्या आता है? बता ही रहे, जान ही रहे कि 10 लाख नौकरियों का जो बात था उस वैकेंसी का अभी तक उस इस तरह का बात मतलब अभी भी उम्मीद है, क्योंकि इतने दिन सरकार बनी हो गई महागठबंधन की, उसके बाद भी अभी तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख नौकरी का वादा किया था उस पर आप लोग उम्मीद बैठा मतलब रखे? उम्मीद कहें जैसे तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं बाहर से रख के, पैरेंट नौजवान है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई को लेके, और ये सब नहीं होता है तो हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, 4-5 साल तैयारी कर रहे हैं ना, पार पैरेंट कितना कब तक मदद करेगा हम लोग का, है ना? सोचना चाहिए नहीं चीज़ों पर, ना वैकेंसी निकलेगा। अच्छा, आखिर में चाहूंगी कि एक बिहारी होने के नाते बिहार के बाकी लोगों को एक मैसेज आप सबकी तरफ से। यही कि बिहार अब पहले वाला बिहार नहीं रहा, बिहार बहुत कुछ बदल गया है, जो जैसी छवि रखते हैं। हम लोगों को बोलना चाहें कि एक बार बिहार जरूर आइए, प्लीज हम लोगों से मिलिए, देखिए यहाँ जो कल्चर है, यहाँ आर्ट है, जो भी है सब तो यहीं से जन्म है, जीरो का विकास जो भी सब यहीं से विकास हुआ है। इसीलिए प्लीज एक बार बिहार अवश्य आइए, तब जाके देखिएगा कि जो यहाँ भरी हुई है और जो दिखने में है वो बहुत कुछ बदल गया। बहुत सुंदरता है यहाँ पे, हर चीज का कल्चर है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुँह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।